अरे मैडम, अरे तमन्ना तनाई का मुजरा देख लेता हूँ रोज रात को। जो देख थारा मुजरा इतना फेमस हो गया, बाहर के लोग भी आके देखने हैं। नहीं, देखने नहीं आया है ये कोई मुजरा। मैडम, मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर इसके साथ है कुछ गुजरा। ओके बाय। भाभी काके, कैसे आना हुआ? देखिए, हमारा नाम है प्रसन्न पति, आंख मार के, और हमारा नाम हो रहा है चंद्रमुखी चौटाला। नहीं, यो किस प्रकार का नाम रखा है तैने? न एक तो प्रसन्न, न पति, न उस पे आंख मार के। प्रसन्न हमारा नाम है, पति हमारा उपनाम, और जो आंख मार के है वो हमारा तकिया कलाम है। क्या परेशानी होगी? देखिए, हमको हमारे पड़ोसी के खिलाफ FIR लिखवानी है। क्यों भाई, उसने तुम्हारी बीवी छेड़ दी क्या? अरे वो हमारी बीवी कैसे छेड़ेगा? सुषमा तो मायके गई है आंख मार के। तो तूने उसकी बीवी को छेड़ दिया? अरे हम भला उसकी बीवी क्यों छेड़ेंगे? अरे तो किसकी बीवी को छेड़ दिया यार तुमने? अरे हमने किसी की बीवी को नहीं छेड़ा आंख मार के। बीवी को नहीं छेड़ा तो क्या किसी की साड़ी को छेड़ दिया? तो वृद्धावस्था में कतई आतुर, एक्साइटेड हैं। तू बोल। अब बात ये हुई कि कल रात 2:30 बजे जब हम टीवी देख रहे थे, तभी हमारे पड़ोसी ने दीवार में कील ठोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक ईंट निकली और रुचि पे गिर गई और रुचि टूट गई। रुचि टूट गई? जी जी। रुचि उस टीवी का नाम है जो हमारे ससुर को दहेज में मिला था। अब समझ लीजिए कि हमारे देश में वो पहला या दूसरा टीवी था, मतलब एंटीक टीवी। अब कहीं गलती से हमारे ससुर को या बीवी को ये पता लग गया कि टीवी टूट गया है, तो हमारी तो वो हड्डियां ही तोड़ डालेंगे मैडम, क्योंकि वो टीवी म्यूजियम वाले ले जाने वाले थे आंख मार के, और वो भी लाखों में। भाई यो कौन हो रहा है रणबगुराज, और रात को 2:30 बजे न कील ठोकने का शौक रखे? बुलवाओ। अच्छा हाँ मन्नू मैकेनिक, अरे गाड़ी तो ठीक चल रही है। हाँ अच्छा सुनो, इसलिए फोन किया था कि तुम्हारी मैडम धोबी के साथ भाग गई है। अरे तुम्हारी मैडम मतलब तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बीवी सुनीता। हाँ वो धोबी के साथ भाग गई है। अच्छा सुनो, ये बात किसी से कहना नहीं है, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। है ओके बाय। जी मुझे पता लगा आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। माई सेल्फ आया श्रीवास्तव। ईमानदारी से भाई, ईमानदारी से यो भी बता दे कि तैने जो है। एक्सक्यूज मी। हाँ बीना चाची। नहीं मिस कॉल नहीं, मैंने तो पूरी बेल मारी थी। अरे आपने उठाई नहीं, कहाँ थी आप? अच्छा सुनिए, वो सुनीता, हाँ हाँ माई वाइफ, हाँ वो धोबी के साथ भाग गई है। चाची सुनिए, ये बात किसी को बताना नहीं, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी, ठीक है? अच्छा पाए लागू चाची। जी मैडम। भाई इसने FIR लिखवाई है थारे खिलाफ कि रात 2:30 बजे तैने जो है अपनी दीवार पे कील ठोकी, जिसकी वजह से इसका एंटीक टीवी टूट गया। अब आप साफ साफ हमें बताइए कि रात को 2:30 बजे आपने कील ठोकी या नहीं ठोकी? यह सच है कि मैंने रात को 2:30 बजे कील ठोकी। अरे यार, रात को 2:30 बजे भी कोई कील ठोकता है क्या? भाई अंकल की बात में जो है ना पॉइंट इट पॉइंट दिखे। क्यों न ऐसे किन कामों में बिजी रहे हुए तो पूरा दिन की रात में ही टाइम मिले 2:30 बजे कील ठोकने का? अरे मैडम, मेरी बीवी धोबी के साथ भाग गई है, प्लीज ये बात किसी को बताना नहीं, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। ईमानदारी से। अरे तो बीवी के भागने और रात 2:30 बजे कील ठोकने में आपस में क्या संबंध हो रहा? अरे संबंध है मैडम, मैंने सोचा था कि मैं रात के 2:30 बजे तक सुनीता का वेट करूंगा, और अगर ठीक 2:30 बजे वो घर में नहीं आई तो मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए बड़ा समझकर उसकी एक फोटो दीवार पर टांग दूंगा। और ठीक 2:30 बजे मुझे ख्याल आया कि अरे दीवार पे तो कील है ही नहीं। अच्छा, ना कोई डिसेंट टाइम ना होवे बीवी का इंतजार करने का, ना रात 12 बजे तक इंतजार ना कर सके तू। अरे लेकिन मैडम, अक्सर सुनीता 2:15 बजे तक घर पहुंच जाती थी। ईमानदारी से। अरे देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा एंटीक टीवी टूट गया है और मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, और वो भी पूरे 5 लाख आंख मार के। हाँ अरे 5 लाख हम कहाँ से लाएंगे? हमारी बीवी धोबी के साथ भाग गई हो, और अब आप कह रहे हैं कि ऐसा है? थारे सामने जो है ना ये 2 ही रास्ते दिखे हैं, एक या तो कंपनसेशन दे दे, और दूसरा या तो हवाला की हवा खा बोल के करेगा। क्या कहते हो? सोच लो। FIR। अरे सुनो दुबे, हाँ कल से 1 ही लीटर दूध लाना। अरे नहीं नहीं, पेट खराब नहीं है भाई, वो जो सुनीता है ना, अरे माई वाइफ, धोबी के साथ भाग गई है। और ये बात यार किसी को बताना नहीं, वरना खामखा हमारी बदनामी हो जाएगी ईमानदारी से। चलो ओके, बाय बाय बाय। मैडम बेचारे की बदनामी हो जाएगी। हाँ जी जी मम्मी जी, किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। भैया साहब मैं तो जो है ना कानून के हाथों मजबूर हो रखी हूँ। और वो प्रसन्न पति अरे मीडिया में जा रहा वो, और कल टीवी वाले हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। भाई मैं तो जो है नेशनल टीवी पर सत्य ही बोलूंगी कि भाई ऐसा है सुनीता जो है धोबी संग भगली। नहीं नहीं मैडम ऐसा मत कीजिए, वरना खाम खा बदनामी हो जाएगी ईमानदारी से। देखो यार तुम एक काम करो, तुम 1 लाख रुपए हमें खिला दो तो ना तुम्हारी बीवी की बात बाहर निकलेगी और ना तुम्हें 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बोलो मंजूर? ठीक है, लेकिन आप लोग ये केस, अरे केस घुमाने में तो हमारी मैडम एकदम चंट मतलब एक्सपर्ट हैं। अब तुम कल देखना क्या होता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब। यस। हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा 1 घंटे से यहाँ बैठा के रखा आपने। अरे मैडम को बुलाइए ना, हमें भी जाना है कहीं आंख मार के। यार तुम कांटों पे बैठे हो, इंतजार करो अभी मम्मी जी आएंगी थोड़ी देर में। हेलो पुष्पा बुआ। हाँ अच्छा वो एक बात बताना था आपको, वो सुनीता हाँ हाँ माय वाइफ, अरे वो धोबी के साथ भाग गई है। अच्छा सुनिए बुआ, ये बात किसी को बताना नहीं, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी ईमानदारी से। पाला को बुआ। हाँ ठीक है ओके। बताइए इन्होंने ऐसी कील ठोकी है ईमानदारी से कि हमारी तो रुचि ही टूट गई आंख मार के। भैया साहब थारे केस की जो है ना हमने तफ्तीश करी है, और सबसे पहला जो सवाल खड़ा हुआ है वो यो है कि रात 2:30 बजे ना तू टीवी पे कौन सा कार्यक्रम देख रहा था? जी मैं वो देख रहा था, वो गजल का प्रोग्राम देख रहा था आंख मार के। अच्छा भैया ऐसा कौन सा केबल वाला हो रहा है इलाके में जो रात 2:30 बजे गजल दिखावे धर के लाशा लेने? हाँ जी जी कमलेश बाबू मेरे घर अभी तक केबल का कनेक्शन क्यों नहीं हुआ है? अरे तो क्या करूं कि नहीं हुआ कनेक्शन, क्या करूं? हाँ क्या करूं? खुला तक जाऊं तार लेके तेरी टीवी के साथ? पप्पू से कह दिया है कनेक्शन हो जाएगा, समझे? क्या भैया क्या हो गया, क्या टंटा हो गया? केवल में खचखचाहट या आवाज में झंझनाहट? पड़ी गाल पे झंझनाहट है ना? क्या सुन रही हूँ मैं, रात 2:30 बजे गजल दिखावे तू? गजल और हम नहीं मैडम, रात को 2:30 बजे गजल नहीं बल्कि भजन दिखाते हैं। ये तो सही कह रहे हैं मैडम, ऐसे भजन दिखाता है ये, ऐसे भजन दिखाता है ऐसे ही। हाँ भाई ना मैं भली बात समझ गई हूँ कि तू किस प्रकार के भजन दिखाया करे। और तू ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे न रंगीन भजन देखने का घना शौक हो रहा रात 2:30 बजे। अब बीवी मायके गई है, नींद नहीं आ रही थी तो हम भी थोड़ा सा देख लिया आंख मार के, और इतने में रुचि टूट गई। ये रुचि का मामला तो मुझे वैसे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच इसके यहाँ कोई रुचि थी जिसके साथ इसका झपड़ झपड़ झाए यार। अरे अरे देखिए मैडम ऐसा है कि हमारे टीवी का नाम ही रुचि है। हमारे जो ससुर जी है ना उन्हें ये बीमारी है, वो हर सामान का नाम रख देते हैं, नामकरण का काम करते हैं ना, तो उन्होंने ही हमारे टीवी का नाम रुचि रखा था आंख मार के। हाँ क्या नाम हो रहा था रे ससुर का? नाम ही तो नहीं रखा गया है हमारा। लव कभी ऐसा होता है किसी का नाम ही नहीं रखा गया हो? कोई अरे मुझे ही ले लो, यूं तो मेरा नाम है गुलगुले, लेकिन मेरी बीवी मुझे गुल्लू बुलाती है, और मेरी पड़ोसन मुझे डार्लिंग बुलाती है, और वो निम्मो नखरीली। अरे लेकिन हमारा नाम नहीं रखा गया है ना भाई, और इस बात का दर्द जो है ना सिर्फ हमारा राकेश ही जानता है। राकेश आपका भाई? नहीं हमारा दिल। बावड़ी पूछ पर्यायवाची, ऐसा है ना सत्य बोल नाम के हो रहा था ना, रैप्टा बजा दूंगी मैं। अरे वही तो बता रहा हूँ मैडम, जब हम पैदा हुए थे ना तो हमारी दादी गुजर गई, और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि किसी के गुजरने के 3 साल तक नाम नहीं रखते हैं, और फिर जब नाम रखने का समय आया तो हमारे दादा गुजर गए, और उसके 3 साल के बाद मौसी, फिर बुआ, फिर फुफ्फा, फिर चाची, फिर नानी। अरे हमारा नाम रखने के काम निपटने से पहले ससुर कोई ना कोई दुनिया से निपट जाता था। फिर हम बड़े हो गए, फिर लोग बोले कि भाई ये बड़ा हो गया अब नाम रखने की क्या जरूरत है, फिर हमारी हो गई शादी और हम हो गए सुनिए जी। फिर हमारी एक बेटी हुई, फिर हम हो गए इमकुनिया के पापा। फिर हम भी कसम खा लिए कि हमारा नाम नहीं रखा गया है, ठीक है, हम दुनिया में सबका नाम रखेंगे। हाँ ए भाई साहब, अब बाहर जाके देखेंगे हमारा नरेश ठीक से खड़ा है कि नहीं। ओह, साथ लाए हैं नरेश आपका बेटा? नहीं, हमारा स्कूटर, और उसका पूरा नाम है नरेश लमरेटा। अब क्या बताएं मैडम, रुचि के न रहने का हमको बहुत दुख हो रहा है, काहे कि ऋचा भी तो उसी के साथ आई थी ना। अब हम ऋचा को क्या मुंह दिखाएंगे? ऋचा आपकी बेटी? नहीं, हमारी साइकिल। देखिए मैडम, अब तो आपको यकीन हो गया कि रुचि हमारे टीवी का नाम है। हाँ, तो अब आप हमको कंपनसेशन दिला दीजिए जल्दी से, 5 लाख रुपए आंख मार के। हाँ भैया, ऐसा है जो है तुम्हारे केस की तफ्तीश होनी बाकी हो रही है अभी। ऐसा तुम तीनों जो है निकलो, कल को आना, कल दूध का दूध और पानी का पानी करके रखेंगे हम। ओके चलो दामाद जी, हम तुमको अपने नरेश पर घर छोड़ दे। अरे स्टार्ट होता है। हाँ आओ ना, धक्का तो नहीं लगाओगे फिर से? थैंक यू वेरी मच, आप लोग केस अच्छा घुमा रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर। बाबा, वही दामाद वाले गोपाल बाबा। हेलो बाबा जी, आप सुनिए। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटारू जुगड़ जुगाड़ू आइडिया आ रहा है। तो थारे सारे बाल उखाड़ लूंगी मैं, ना फिर देगा आइडिया। अरे मैडम जरा टेबल के नीचे आइए। सॉरी। तू हमारी शादी में ना दरिया बिछाएगा, रेड कलर की दरिया। जरूर जरूर मैडम, जरूर। दिल दरिया। आज भी हम तुम्हारे साथ आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं। रुचि के मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। अरे छोड़ो, मुकेश टूट जाएगा। अरे अरे, ये कौन है जी आंख मार के? कौन है भाई आप? अरे मैं हूँ रुचि, तुम्हारी रुचि। भूल गए उस रात तुम्हारे साथ ही जिस रात तुम्हारी टीवी पर ईंट आकर गिरी थी? झूठ 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 बोल रही है ये आंख मार के। दामाद जी, हम ही सबका सुन रहे हैं, आपने हमारी बेटी को विक्की दिया है। विक्की आपका नाती? नहीं, धोखा। देखिए, इन्हें गलत मत समझिए। वो क्या है ना, उस रात इनके कदम लड़खड़ा गए थे। कप कपाती रातों में, सनसनाती हवाओं में ये फिस करके फिसल गया। अरे झूठ 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 बोल रही है ये आंख मार के। झूठ, चुप, एकदम चुप। दामाद जी, हम अपनी बिटिया को विकास दिला के रहेंगे। विकास आपका होने वाला नया दामाद? नहीं, तलाक। अरे 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 ससुर जी, रुचि को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। अरे अरे, लेकिन मैं तो इसे जानता तक नहीं। धर के लेके जा साले ने। चलो आए, लेकिन मैं इसे जानता भी नहीं मैडम। अरे अरे, शाबाश, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है अभी तूने। मेरी पेमेंट ये लो। इतनी सी? एक ही सीन था ना, अपने पास ही रख, चाय पी लेना। अरे सुनो। हाँ ताऊ, अरे वो सुनिए, वो सुनीता जो है, हाँ हाँ माई वाइफ, अरे वो धोबी के साथ भाग गई है। अच्छा सुनिए, आप गांव में सबको ये बता देना, लेकिन एक बात है, सबको ये कहना कि वो किसी को बताए ना, ठीक है? पाए लागू ताऊ जी। मैडम आए, बस वो आगे देखो सामने। हाँ मैडम, आपके पैसे। अरे अरे मैडम, मैडम ये सब क्या हो रहा है? आप इस तरह से कानून का सौदा नहीं कर सकती आंख मार के। हाँ गोपी गिन। हाँ जी जी, पूरे हैं। नानजी जी, मम्मी जी, ये तो सिर्फ 1 लाख है। अरे भाई 1 ही लाख की तो बात हुई थी ईमानदारी से। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, और उस खुशखबरी की वजह से 2 लाख तो बनता है यार। अब बन जाएगी तुम्हारी लाइफ, क्योंकि हमने ढूंढ निकाली है तुम्हारी वाइफ। ओके बाय। आइए सुनीता अय्या श्रीवास्तव। अय्याश, मुझे माफ कर दो, अब मैं धोबी तो क्या दूध वाले के साथ भी भागूंगी नहीं। अरे भाई, ये आप लोगों की गलत फहमी है, ये मेरी बीवी नहीं है। अरे ऐसा है, देख गलती हर किसी इंसान से हो जावे, माफ कर दे इसने। अरे भाई क्या माफ आफ है भाई, ये बीवी है ही नहीं। अच्छा क्या कर आई हो छोरी? देखो मैं इनकी बीवी हूँ। ये देखे हमारी शादी की फोटो। देखे भाई फोटो में तो जो है तू ही दिख है। अरे ये फोटो झूठ है, ये मेरी बीबी है ही नहीं। भाई ऐसा है जो थारी बीबी ना है, डोंट वरी, हमने जो है वो धोबी भी बुला रखा है जिसके संग भगली थी हो। आजा भाई ओ धोबी गाठ। अरे साहब जी, अब हम कभी आपकी बीवी को लेकर नहीं भागेंगे। हम तभी आपकी बीवी से मिलेंगे जब आप घर पर नहीं होंगे। अरे यार माफ कर दो यार, एक ही रात के लिए तो भगा के ले गया था। अरे यार अब तुम ये भी कहोगे कि धोबी को नहीं पहचानते? अरे भाई मैं नहीं पहचानता हूँ, ये कौन है? तू कतई भूला हो रहा है, बिल्कुल के ड्रामा मचा रखा था ने। ओ भाई सासू आंटी आन दो भाई। यो इसने पहचाने ओ मिस्टर, यो कौन हो रही? अब पायरा के सासू माँ खुश रहो, बस सास ने पहचान लिया, धन्य है तू। हाँ भाई सासू आंटी, यो छोरी थारी के हो रही है, ये मेरी बेटी है। अरे सासू माँ क्या नाटक है, ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? कहीं से दिखती है आपकी बेटी? भाई ये आपकी बेटी नहीं है, आप झूठ बोल रही है। देखिए ये मेरी बीवी भी नहीं है। अरे यो थारी बीबी से। अरे भाई ये मेरी बीवी नहीं है। अरे अपनी बीबी ने लेके घर को निकल चल। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं अपनी? अरे यो ये थारी बीबी। भाई मेरी बीवी नहीं है। अरे तो कहाँ गई थारी बीबी फिर? मेरी बीवी मेरे कब्जे में है। बस यो ही सुनना चाह रही थी मैं थारे मुँह से। है ऐसा है, मन ने थारे पे सख्त तो तभी हो गया था जब तू एकदम ही चाचा मामा फूफा ताऊ न सब ने फोन पे इन्फॉर्म कर रहा है कि थारी बीबी धोबी संग भाग गई। ना बीबी खो जाने का तो तन्ने दुख कतई होना रहा था, ना सब में अनाउंसमेंट करने में घना इंटरेस्ट आ रहा था। भाई चाल तो जो है तैने बड़ी अच्छी चली कि रात को 2:30 बजे तैने अपनी दीवार में कील ठोकी जिससे जो है ईंट गिर गई थारे पड़ोसी के घर में। और तन्ने पता था कि यो थारा पड़ोसी ना जो है थारे खिलाफ FIR लिखने पुलिस स्टेशन जरूर आएगा। और फिर ना चौकी में आके तमाम पुलिस कर्मचारियों के आगे तैने अनाउंसमेंट कर दी, ना एकदम बवाल मचा दिया कि थारी बीबी धोबी संग भाग गई है। भाई तैने लगा हम तो बेवकूफ हो रहे हैं, जो तू समझाएगा हम समझ लेंगे। बेटा ऐसा है, हमने यो वर्दी कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी कोई ना है। हमने पहले तो थारी बिल्डिंग से थारी पूरी रिपोर्ट निकलवाई, फिर ना हमने वो धोबी ढूंढवाया जिसको तैने थोड़े पैसे देकर थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड कर दिया था। और फिर जो है थारी सासू माँ के संग मिलके हमने यो ड्रामा रचा ताकि थारा जो है भेद खुले। तैने लगा कि एक बार जो है जब जग जाहिर हो जाएगा कि थारी बीबी धोबी संग भगी है तो तू उसने निपटा देगा। और फिर जो है ना अपनी आइटम ना जिससे थारा लप्पा झप्पा चल रहा है अपनी छमिया से तू शादी कर लेगा। पर बेटा वेरी बैड परफॉर्मेंस, क्योंकि थारी बीबी सुनीता इब थारे कब्जे में कतई ना है। वो री मैडम ये सब तो ठीक है, पर हमारा ससुर हमारा तलाक करवा ही देगा आंख मार के। हाँ डोंट वरी मम्मी जी, ऐसा नहीं होने देंगे। आओ भी बेनाम बादशाह बाहर आओ। हमको माफ कर दो तुम्हार जी। भैया शायद इससे पहले कि मैं अपने हाथों ने कष्ट दूं ना सराफत से जो है लाकअप में घुस जा और बाइज्जत बरी कर इस प्रसन्न पति ने। चल जी जल्दी है, जल्दी आओ भाई, जल्दी खोल देखो, जल्दी ठीक से बंद कर देना भैया। ठीक है थैंक यू मैडम, थैंक यू। भैया साहब छोड़ दे बेटा, लालच बुरी बला है। यो ले यो 1 लाख थारे। हाँ थैंक यू दामाद जी। चलिए बाहर कुसुमकली खड़ी इंतजार कर रही है। कुसुमकली आपकी गाड़ी नहीं, हमारी घर वाली। भाई जाने से पहले बिट्टू चौटाला से तो मिलते चलो। बिट्टू चौटाला आपका भाई? ना, हमारा रैप्टा।